हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शंस में एक्चुअली होता क्या है। पिछली क्लास में हमने बात किया था कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स एंड व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिडॉक्स। बट आज हम बात करने वाले कि एक्चुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में होता क्या है, अंदर की बात क्या है, यानी अंदर में क्या होता है जब रिएक्शन ऐसे होते हैं तो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे हम आज उसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है, इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है, और इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ वी कैन डिसाइड व्हाट इज, वेदर ऑक्सीडेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस और रिडक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस। सो कंसीडर सम एग्जांपल, और उस एग्जांपल के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या है। फॉर एग्जांपल, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन, देन व्हाट विल फॉर्म, सोडियम क्लोराइड विल फॉर्म। सो क्लोरीन Cl2 एंड 2 सोडियम, देन देयर विल बी 2 NaCl। इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये रिएक्शन में सोडियम और क्लोरीन में आयनिक बॉन्ड बना है। केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, तो ये है 2, 8, 1, और इसमें क्लोरीन में कितने हैं, 17, सो 2, 8 एंड 7, सो दैट इज वाई एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है और यहाँ पे जमा हो रहा है। तो दो सोडियम है तो दोनों, दो क्लोरीन है यहाँ पे, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर रहा है दो सोडियम में है तो, और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को ट्रांसफर कर रहा है। यानी इस रिएक्शन में बेसिकली हुआ क्या है कि सोडियम जो है, ये जो सोडियम है वो इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, और ट्रांसफर करने से बेसिकली बनता क्या है, सोडियम आयन बन जाते हैं एंड क्लोरीन आयन बनते हैं। यानी इस रिएक्शन को ज्यादा डिटेल अगर हम कहें कि डिस्कशन करें तो इसमें दो आयन्स बनते हैं, और आयन्स क्या बनते हैं कि यहाँ पे सोडियम के दो सोडियम के आयन बन जाते हैं और क्लोरीन दो हैं उनके भी दो आयन्स बन जाते हैं, एक एक उस पर चार्ज आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकल करके और सोडियम आयन बनता है, ये सोडियम आयन बन गया 2, और इसमें से क्या निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, दो इलेक्ट्रॉन के निकलने से सोडियम का आयन बनता है। इसी तरह से अगर ये कहें तो क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्लोरीन जो है उसमें अगर दो इलेक्ट्रॉन मिलता है तो इसमें निगेटिव चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं, और क्लोरीन में दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्लोरीन, इसलिए इस पे दो क्लोरीन है, इस पे क्या बन जाता है, Cl-। तो सोडियम दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अंदर में यही हो रहा है। यानी सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि सोडियम के दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिलते हैं, इसलिए सोडियम बन जाता है कटायन और क्लोरीन बन जाता है एनायन, या ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव रेडिकल और एक निगेटिव रेडिकल। तो आयनिक बॉन्ड में बेसिकली शेयरिंग तो होती नहीं है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है। आपने भी पढ़ा होगा कि आयनिक बॉन्ड ऐसे बॉन्ड को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होने की वजह से ये पार्शियली चार्ज रहते हैं, और चूंकि ये चार्ज रहते हैं इसलिए ये आयन्स के फॉर्म में होते हैं। यानी मोर और लेस अगर हम इसको, पूरी रिएक्शंस को दो पार्ट में बांटें, तो पहले पार्ट में क्या हो रहा है कि सोडियम दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है कि क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, राइट। मतलब इस रिएक्शन को थोड़ा और डिटेल लिखा जाए, 2Na+Cl2 2NaCl, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम का दो इलेक्ट्रॉन गेन लूज कर रहा है, सोडियम लूजेस टू इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम टू इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, एंड क्लोरीन जो है वो गेन कर रहा है टू इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन जो है गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन।
ये हो रहा है इस पूरी रिएक्शन में, एक लूज कर रहा है और एक गेन कर रहा है। अब पिछला डेफिनेशन से थोड़ा कोरिलेट करना चाहते हैं। पिछले डेफिनेशन में क्या कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कंबाइन करे तो वहां ऑक्सीडेशन होता है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, वो सोडियम में अगर कंबाइन करता है तो सोडियम का के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सोडियम के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है और सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। सोडियम इज गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो सोडियम का ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये कहते हैं कि सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो सोडियम के ऑक्सीडाइज हो रहा है और सोडियम का हो क्या रहा है, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से ये देख रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसको ऑक्सीडाइज हो रहा है और वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सोडियम दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉन लूज होता है उस एटम का या उस कंपाउंड का क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो है ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और उसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लोरीन जो है उसके साथ सोडियम का एडिशन हो रहा है, तो क्लोरीन के साथ चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उसके साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। तो क्लोरीन का यहाँ रिडक्शन हो रहा है, इसलिए क्लोरीन रिड्यूस्ड हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है और क्लोरीन के साथ चूंकि रिडक्शन हो रहा है और इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो हो रहा है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, उसका हो रहा है रिडक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन के इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस एटम्स का इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो हाँ उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए थोड़े और एग्जांपल देखते हैं। सोडियम के साथ हम इसी सोडियम का रिएक्शन लेते हैं, थोड़ा और फिर से सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन लेते हैं। इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है Na2O सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम है, यहाँ दो है, यहाँ ऑक्सीजन दो है, तो इसलिए इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दो ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे, और अब सोडियम फोर हो गया तो यहाँ फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो गया। इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है कि सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लूज लूज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ये एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इसलिए चार सोडियम मिलके फोर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो दो एक से ऑक्सीजन मिल करके कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये कर रहा है गेन ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन। चार इलेक्ट्रॉन चार सोडियम एटम लूज कर रहे हैं और दो सोडियम दो ऑक्सीजन एटम मिलके चार इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, यानी दो ऑक्सीजन एटम चार इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन एटम दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो एक ऑक्सीजन एटम अगर दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो ऑक्सीजन पे कितने चार्ज होने चाहिए, माइनस दो, दो माइनस, यानी ऑक्सीजन इस रिएक्शन में क्या होता है कि सोडियम जो होता है वो प्लस चार्ज बनाता है, प्लस आयन बनाता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो टू माइनस आयन बनाता है। ये दो ऑक्सीजन है, ये टू माइनस आयन बनाते हैं, इसलिए इस पे जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो माइनस ये चार। इसका अगर हाफ हाफ करें तो ये हो रहा है कि फोर सोडियम में से फोर इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या बन रहे हैं, फोर एन ए प्लस, ये जो फोर सोडियम है फोर एन ए प्लस बन रहे हैं क्योंकि इसमें से फोर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, और ऑक्सीजन जो दो है ये दो ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन एटम यानी ऑक्सीजन एटम के जो दो ऑक्सीजन एटम हैं इसमें से ये चार इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बना रहे हैं, O2 टू माइनस, ठीक है, दो दो। तो इस तरीके से ये एक हाफ रिएक्शन हुआ जिसमें क्या हो रहा है, इसमें सोडियम के साथ ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है,
इसलिए इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उस सब्सटेंस के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो सब्सटेंस वो एटम्स वो एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज हो रहा है और जिसके साथ जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वहां रिडक्शन हो रही है और वो सब्सटेंस या एलिमेंट जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस्ड हो रहा है, यानी यहाँ सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां कह सकते हैं कि सोडियम जो है ये क्या हो रहा है, सोडियम के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस्ड। अब इसका एक और थोड़ी सी बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या है कि बेसिकली एक ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन कर रहा है इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का लालच फैला रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन ले जाओ हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये अब प्रलोभन दे रहा है, ये समझ लीजिए कि ये एक ऑफर कर रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लालच में आ गया और इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लेने की वजह जो ऑक्सीजन है वो कौन है, वजह कौन है, वह है सोडियम। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब कौन कर रहा है ऑक्सीजन को रिड्यूस, सोडियम। इसलिए सोडियम को कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसकी वजह से इसने लालच फैलाया जिसके जाल में ऑक्सीजन फंस गया। तो रिड्यूस करा रहा है ये ऑक्सीजन को, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है ऑक्सीजन के साथ, किसकी वजह से, सोडियम की वजह से। तो सोडियम जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन को रिड्यूस कराने में मदद कर रहा है। मदद करने वाले को क्या कहते हैं, एजेंट। किसी आप ऑफिस में जाएं कोई एजेंट होता है वो काम करवा देता है तो मदद करता है आपकी, आपकी काम करवा देता है, उसके बदले कुछ सर्विस चार्ज लेता है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, एजेंट बने पड़े बैठे होते हैं वो आपकी मदद करते हैं। पासपोर्ट ऑफिस में जाएं, बाहर में एजेंट लोग होते हैं वो आपकी मदद करते हैं लेकिन उसके बदले कुछ चार्ज लेते हैं, फॉर्म भरवाने से लेकर के और बाकी जमा करवाने तक वो सारे आपके साथ साथ काम करवाते हैं, बदले में वो कुछ सर्विस चार्ज लेते हैं। तो इस तरीके का एजेंट क्या करता है, जो मदद करता है, जिसकी वजह से कोई फंक्शन होता है। तो ऑक्सीजन के साथ रिडक्शन करवाने में कौन मदद कर रहा है, सोडियम। इसलिए सोडियम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम को क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। सो सोडियम इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हियर, सोडियम इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, सोडियम को कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, इसकी वजह से ऑक्सीजन में रिडक्शन हो रहा है। और इसके वाइस वर्सा ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन अगर लालच नहीं फैलाता तो सोडियम देता नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन जो है वो सोडियम के ऑक्सीडेशन के लिए जिम्मेदार है, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट जिसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसके साथ रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा हम याद रख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं कि असली में मामला है क्या। अब देखिए ये है सोडियम और हम इसे सल्फाइड से रिएक्शन कराएं तो ये बन जाएगा Na2S, ठीक है, सोडियम सल्फाइड। अब दो सोडियम है तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दें, एक सल्फाइड है ये बन गया सोडियम सल्फाइड। यहाँ पे भी सोडियम का क्या हो रहा है, यहाँ पे सोडियम दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लूज ऑफ, लूज टू इलेक्ट्रॉन्स, लूज टू इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे सल्फर के साथ क्या हो रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, सो गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हम गेन हो रही है, यहाँ लॉस हो रही है, तो लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन या लूजेज ये कह सकते हैं, सोडियम लूजेज, सो लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, दोनों चीजें होती है, इसलिए हम कहेंगे क्या कि इनके साथ सोडियम के साथ फिर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर के साथ क्या हो रहा है, सल्फाइड के साथ क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन। अब इन चार बातें हो गई, यहाँ पे चार चीजें हो गई कि सोडियम के साथ क्या हो रहा है, सोडियम के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन,
ठीक है, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, सोडियम, सोडियम हो रहा है ऑक्सीडाइज, ठीक है। और फिर सल्फाइड के साथ यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्यों, किसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। और इसके बाद सोडियम चूंकि रिडक्शन के लिए जिम्मेदार है तो सोडियम को क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और सल्फर क्या क्या हो रहा है, सल्फर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का नया एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करे वो ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करे वो क्या होता है, रिडक्शन। यानी अब हम नए तरीके से इसका डेफिनेशन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन इज नथिंग एल्स, ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज नथिंग एल्स बट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड रिडक्शन इज व्हाट, रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी एक्सेप्टर की तरह। और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड डाइज सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड कौन होता है, जो दोज हु एक्सेप्ट, दोज हु, दोज हु डोनेट द इलेक्ट्रॉन, दोज हु गिव्स द इलेक्ट्रॉन, लूज द इलेक्ट्रॉन, दोज हु लूज द इलेक्ट्रॉन, लूज द इलेक्ट्रॉन, राइट, इलेक्ट्रॉन को जो लूज कर रहा है। और रिड्यूस कौन होता है, रिड्यूस्ड होता है दोज हु विल गेन द इलेक्ट्रॉन, दोज हु गेन द इलेक्ट्रॉन, ये समझ ले, गेन द इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, दोज हु विल, दोज हु विल, हु विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दोज हु विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, हु विल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन, राइट, एक्सेप्ट जो द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी एक्सेप्टर, ये कह सकते हैं कि एक्सेप्टर होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज व्हाट, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट दोज who will donate the electron, donate the electron, donate the electron, yani ek ho gaya donor, reducing agent kya kehlayega, donor, aur ye kya hai, acceptor। to ye hum electronic theory ke aadhar par keh sakte hain ki is tarah se hum oxidation reduction ko explain kar sakte hain, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनको हम रिडक्शन कहते हैं, तब रिडक्शन होता है, और उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की दो बातें आपको समझ में आ गई। तो ऊपर हमने देखा कि जितने भी रिएक्शंस थे, जैसे हमने लिखा था NaCl में, NaCl को फॉर्मेशन जब किया तो इसमें हमने क्या किया था कि Na plus Cl2 is equal to क्या बन गया था, NaCl। इसको दो पार्ट में हमने ब्रेक किया था कि सोडियम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज किया और बन गया क्या, Na plus, 2 Na plus, चूंकि यहाँ पे दो सोडियम था और दो क्लोरीन था तो ये बन गया था 2 Na प्लस। तो सोडियम जो है वो दो सोडियम मिलके दो इलेक्ट्रॉन लूज किया और Na प्लस बन गया। इसको कहते हैं हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन,
रिएक्शन, ये फर्स्ट हाफ रिएक्शन हो गया, ठीक है, हाफ रिएक्शन वन। दूसरा रिएक्शन क्या हुआ कि क्लोरीन जो है ये Cl2, इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया और दो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बन गया, ये बन गया Cl माइनस, Cl2 माइनस, राइट ना। तो दो क्लोरीन में ये जो है वो माइनस चार्जेस हो गए दो क्लोरीन पे और ये Cl2 माइनस बन गया। ये हुआ हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन कौन सा, तो सेकंड, ये सेकंड हाफ रिएक्शन हुआ। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, सोडियम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहाँ पे इधर लिखेंगे सॉरी, सोडियम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बन गया 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए बन गया Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Cl। तो ये 2Cl, दो क्लोरीन माइनस, दोनों क्लोरीन पे क्या है माइनस चार्ज है, तो एक एक दो क्लोरीन हो गए, दो के माइनस चार्ज हो गए 2Cl माइनस। इसलिए अब इन दोनों को अगर हम कंबाइंडली प्लस करें तो ये होगा 2Na प्लस Cl2, राइट। ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन इधर का और दो इलेक्ट्रॉन इधर का कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गिव्स 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Cl माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल और ये रिएक्शन बन गया फुल रिएक्शन। तो इस दो अलग अलग लिखने का मतलब क्या था, प्लस 2Cl माइनस, राइट, ये बना है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या बना है, ये कंपाउंड जो है वो बना है 2NaCl, ये कंपाउंड जो बन गया है वो है 2NaCl। तो ये दो दो दोनों में से कॉमन ले लिया, ये कंपाउंड जो बन गया है वो 2NaCl जो RHS है। तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन और सेकेंड हाफ रिएक्शन जो है ये दो हाफ रिएक्शन है और हाफ मिलके क्या होता है फुल, इसलिए दोनों को प्लस करने से क्या मिलता है हमें फुल रिएक्शन मिलता है। तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का लूज, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सो द हाफ रिएक्शन इन विच, लिख सकते हैं द हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, राइट, ऑक्सीडेशन। सो इस हाफ रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, यानी 2Na इज इक्वल टू व्हाट हैपन, यहाँ पे इस हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से द हाफ रिएक्शन इन विच द हाफ रिएक्शन, रिएक्शन इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस प्लेस कॉल्ड रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है, इसको कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे पहले हाफ में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और दूसरे हाफ जो Cl2 था इसमें दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के और क्या बन गया, ये 2Cl माइनस, Cl2 प्लस 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स विल मेक हियर Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के बन गया 2Cl माइनस। तो यहाँ पे हुआ, चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हुआ, रिडक्शन रिएक्शन, यानी पहले हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और दूसरे हाफ रिएक्शन में रिडक्शन, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस टूगेदर एंड दिस इज द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन बी explain. So I hope you got it. What is this oxidation and reduction on the basis of electronic theory? Right? Okay. So let us do some experiment in which we can discuss some more details about oxidation and reduction. Right?
Now let us consider and some experiment for competitive transfer of electrons. कैसे होता है ये देखते हैं कि क्या होता है और क्यों होता है. तो एक क्या किया कि हमने लिया एक का बीकर और इस बीकर में हमने डाल दिया कॉपर नाइट्रेट. कॉपर नाइट्रेट डाल दिया और कॉपर नाइट्रेट कौन से कलर का था? ब्लू कलर का. ये ब्लू कलर का था कॉपर नाइट्रेट. इस ब्लू कलर के कॉपर नाइट्रेट में हमने एक जिंक का रड डाल दिया. जिंक रड, ठीक है, एक जिंक का रड डाल दिया और इस जिंक रड को डालने से ये मिल गया, एक जिंक का रड डाल दिया. ये समझ लीजिए, ये जिंक का रड डाल दिया हमने और जिंक के रड डालने के बाद थोड़ी देर बाद देखा ये जिंक है, ये है जिंक, ये है जिंक रॉड और ये है कॉपर कॉपर नाइट्रेट नाइट्रेट. ठीक है, एक घंटे के बाद देखा कि ये जो कॉपर नाइट्रेट का जो था हमारा उसमें ये जो सॉल्यूशन जो था जो ब्लूइश कलर का था वो पूरी तरह से कलरलेस हो गया. पूरी तरह से क्या हो गया? कलरलेस. ब्लू कलर इज गॉन, कलरलेस. और जो जिंक के रड था जो पहले से था, जिंक का रड ये हमने इसमें जो डाला था उसका जो जो सॉल्यूशन के अंदर पार्ट था वो पार्ट देखा कि वो क्या हो गया, वो ब्राउनिश हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसमें से जो कॉपर नाइट्रेट का कॉपर था वो इलेक्ट्रॉन गेन किया. इससे हम ये पता चलता है कि जेडन जो है, जिंक जो है वो क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसलिए 2+ चार्ज इस पे आ गया, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया. तो लूज किया इसलिए इसका क्या हो रहा होगा, इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा. जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन. और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया तो लूज तो तभी करेंगे जब कोई लेने वाला होगा, तो लिया कौन? तो लिया कॉपर. कॉपर ने ये दो इलेक्ट्रॉन लिया तो कॉपर जो पहले से 2+ था कॉपर नाइट्रेट में, इसमें जो आयन था डिसोसिएशन हुई थी कॉपर और नाइट्रेट की, तो इसमें ये कॉपर के जो है ये दो इलेक्ट्रॉन ले करके और ये क्या बन गया? कॉपर. तो इस तरह से कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका हुआ रिडक्शन, ये हुआ रिडक्शन और इसका हुआ ऑक्सीडेशन. यानी जो टोटल रिएक्शन है उस रिएक्शन को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जेडन पहले जो था वो था सॉलिड, उसकी हमने एक स्ट्राइप डाली थी और कॉपर जो था वो था क्या, वो एक्वस सॉल्यूशन में था और कॉपर में क्या था? 2+ चार्जेस थे, राइट. अब जब ये हुआ तो जेडन के साथ क्या हो गया कि जेडन 2+ चार्ज हो गया और कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में बन गया. ये यहाँ पे इसमें जब हम ये एक्वस हो गया और ये सॉलिड बन गया. इसका मतलब हुआ कि इस पूरी की पूरी रिएक्शन में क्या हुआ, इस पूरी की पूरी रिएक्शन में जिंक जो है वो क्या किया, लूज द इलेक्ट्रॉन, लूज द इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया? तो 2 इलेक्ट्रॉन. और ये जो कॉपर है वो क्या किया, वो किया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो यहां हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया उसका क्या हो गया? रिडक्शन. और जो इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसका क्या हो गया? रिडक्शन. तो जो लूज किया उसका ऑक्सीडेशन, जो गेन किया उसका रिडक्शन. इस तरीके से आप इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट को कर भी सकते हैं, ठीक है ना. इसमें कोई बहुत बड़ा हार्मफुल इवेंट नहीं है, ये आप आसानी से कर सकते हैं लैब में. तो यहां देखा कि दो इलेक्ट्रॉन लूज किया कौन? जिंक. और दो इलेक्ट्रॉन गेन किया कौन? कॉपर. दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं बट इनमें कंपटीशन है. कंपटीशन किस बात की है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसके हिसाब से डिसाइड होगा कि इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा और कौन गेन करेगा. इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट्स भी दूसरे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट को दे सकता है इलेक्ट्रॉन, बशर्ते वो क्या हो, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है. तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है. नाउ लेट अस कंसीडर द अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज देयर. सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज देयर एंड वी प्लेस्ड ए कॉपर रड इन बिटवीन.
copper lead in between. Then after some time, we see that what will happen, that this solution will have a blue color comes out, and this is what the copper rod will have whitest layer. That is what it means, shows that there is a deposition of silver. There is a deposition of silver, and this turnout, blue color turnout, that there is a copper sulfate is prepared, copper nitrate is prepared. So copper nitrate is prepared, and here silver loses the electrons. Therefore, what will happen? Silver loses the electron and copper gain the electron, right now? So in this reaction, what happens is silver nitrate AgNO3 में से Ag जो है वो positive radical है और NO3 negative radical है, तो ये मिलेगा यहाँ से Ag, और copper के rod पे डाला तो ये हुआ Cu plus 2Ag plus, ये जो है Ag plus, ये reactions है, 2Ag plus will form Cu plus 2 plus Ag, right ना? So this will be the reaction, and in this reaction what will happen indeed is there is copper loses the electron and silver gain the electron. यहाँ से इसमें जो है silver ये gain कर रहा electron, gain of electron, और ये क्या कर रहा है, lose कर रहा electron, lose of electron. तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की लॉस हो रही है कॉपर के साथ, और सिल्वर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि ये अब ये ब्लू कलर का हो गया, ये ब्लू कलर का हो गया, और ये बन गया कॉपर नाइट्रेट, राइट. ये यहां पे सॉल्यूशंस में, यहां पे ये कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो कॉपर के साथ क्या हो रहा है, कॉपर लूजेस द इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन उसका होता है, और वो होता है ऑक्सीडाइज. और सिल्वर के साथ क्या हो रहा है, सिल्वर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन. तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहां होता है, इसमें से कॉपर और सिल्वर के कंपैरिजन में कॉपर जो है वो क्या कर रहा है, ये सिल्वर ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए कॉपर ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और सिल्वर का उसके मुकाबले कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. ठीक है, समझ में आ गया. तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए कॉपर को क्या कहेंगे, कॉपर इज कॉल्ड हियर रिड्यूसिंग एजेंट. और सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये इस तरह से ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस प्रोसेस है जो होता रहता है. और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम किसी भी रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका रिडक्शन होता है. सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा कलाकारी तो है नहीं इसको समझने में. ठीक है, आई होप यू विल गेट इट. तो इस रिएक्शंस में दो जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, इसमें आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि पहले एक्सपेरिमेंट में तीनों के तीनों जो हमने एलिमेंट्स लिए थे, वो तीनों के तीनों एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे. कॉपर, जिंक और सिल्वर, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं. लेकिन पहली स्थिति में क्या हुआ कि अगर हम जिंक और कॉपर की मुकाबला किए तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे रहा था, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था जिंक, और जिंक के मुकाबले कॉपर जो है वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ. दूसरे में हम देख रहे हैं कि कॉपर और जब सिल्वर की बात आई तो कॉपर इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, सिल्वर को, तो सिल्वर जो उसके मुकाबले है वो है कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेकिन उसके मुकाबले कम है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है. जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर का है, वो जिंक और कॉपर के मुकाबले जिंक था, और कॉपर और सिल्वर के मुकाबले कौन था, तो कॉपर. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो ताकत के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से डिफाइन होगी, एक ज्यादा होगा एक कम होगा. यानी हम कह सकते हैं कि जो जेडन था वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, जेडन किसके मुकाबले, कॉपर के मुकाबले, और कॉपर जो है वो सिल्वर के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव था. इसलिए जब
इनमें आपस में भिड़ंत हुई, जब आपस में बात हुई तो जिंक ज्यादा ताकतवर था, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास देने की एबिलिटी थी, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, इसलिए इसने कॉपर को इलेक्ट्रॉन दिया था। यानी यहाँ पे कॉपर जो था वो एक्सेप्टर की भूमिका में था और इसके मुकाबले आ गया तो क्या हो गया, डोनर की भूमिका में आ गया। ठीक है, तो कॉपर एक तरफ एक्सेप्टर था, दूसरी तरफ डोनर है, यानी अपने से कम ताकतवर लोग पे, जैसे सब लोग अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं और देते हैं, इंडिया जो है वो वर्ल्ड बैंक से बहुत सारा चैरिटी फंड लेता है और अलग अलग बड़े बड़े देशों से दान लेता है और फंड लेता है, और नेपाल और भूटान जैसे को अरबों डॉलर देता है अफगानिस्तान को। तो इसका मतलब है कि अपने से ज्यादा रिच लोगों से हेल्प लेना और अपने से कम गरीब लोगों को, गरीब देश को हेल्प करना, ये नेचर है। उसी तरह से यहाँ पे भी सब्सटेंस जो है, एलिमेंट्स जो है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव अपने से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देता है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। यानी कंपैरिजन किस बात की है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कौन कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देता है। इसी तरह से ये प्रोसेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए भी होती है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा वो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लेन देन करेगा, लेना लेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये रिएक्टिविटी सीरीज बनती है और आप आगे देखेंगे तो इस तरह का रिएक्टिविटी सीरीज बनती है कि कौन किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है। इस प्रकार से देखा कि इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी डिपेंड करता है कि आपके साथ कौन है, अपोनेंट में कौन है। अगर साथ में आपसे ज्यादा कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन टेंडेंस लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। अगर आपसे ज्यादा, उस एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो गेन करने की पॉसिबिलिटी होगी और गेन करने की टेंडेंसी होगी। यानी टेंडेंसी ऑफ लूज और गेन डिपेंड अपॉन द को पार्टनर, कि कौन सा पार्टनर है, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की टेंडेंसी होती है। जैसे कॉमन देखो कि दो तीन स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आपसे कमजोर कोई स्टूडेंट है और लड़ पड़ा तो आप उसे पीटने की प्रवृत्ति होती है, और अगर आपसे कोई मजबूत स्टूडेंट है या लड़ाई हो गई उससे तो आप सोचते हैं कि उसे पीटने के बजाय उसे माफी मांग लेना ज्यादा है। तो थोड़ा वहां डाउन हो जाने की, वहां गेन करने की, दया लेने की प्रवृत्ति हो गई, और दूसरा कोई अगर आपसे कमजोर है उसने अगर दया मांगी तो दया देने की प्रवृत्ति हो गई, अर्थात उसको बख्शने की प्रवृत्ति हो जाती है, उसको डोमिनेट करने की, उसको क्षमा करने की प्रवृत्ति हो जाती है। सो डिपेंड अपॉन हु इज अपोनेंट। तो यहाँ पर भी ऐसे ही अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन लेगा ये परमानेंट चीज नहीं है, ध्यान रहे, ये कोई परमानेंट टेंडेंसी नहीं है। ये आदमी की प्रवृत्ति की तरह ये भी बदलते रहते हैं, डिपेंड करता है कि इनके साथ देने और लेने वाला कौन है। अगर देने वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो लेने की प्रवृत्ति बनेगी, अगर लेने वाला कम स्ट्रॉन्गर है तो आपकी प्रवृत्ति देने की होगी। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की भी होती है, और इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स मेटल्स एंड डिपेंड्स अपॉन द अपोनेंट ओनली, अपॉन द को पार्टनर ओनली, अपॉन द प्रोडक्ट ओनली जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को यहाँ पर अभी फिलहाल खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और फिर हम उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। आज इतना ही, खूब मन लगा के पढ़िए इसको, अच्छा से रिवाइज कर लीजिए और पिछले टॉपिक को भी रिवाइज कर लीजिए, और फिर अगली क्लास में आइए तो अगली क्लास में हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर सिखाएंगे। ठीक है, तो जाके घर पे आज ही इसको रिवाइज करना अच्छी तरह से। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी सीखा क्या आज, कि ये सीखा कि जो अगर एटॉमिक कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एक एटम जो है वो या मॉलिक्यूल सोर्स इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा जो होता है उसे गेन करता है। जो लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो गेन करता है उसका रिडक्शन होता है। जो लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज कहलाता है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कहलाता है, और जो गेन करता है उसका रिडक्शन होता है, इसलिए वो रिड्यूसिंग सब्सटेंस कहलाता है, रिड्यूस सब्सटेंस कहलाता है। ठीक है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जो रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इसी बात के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है, तब हम ऑक्सीडेशन नंबर सीखते हैं।
Hopefully you will enjoy this, you have enjoyed this, and you will enjoy the next class as well. That is my assurance. Thank you very much. God bless. Keep watching. And इसी तरह से हमारा चैनल देखते रहें, अपना प्यार लुटाते रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं. थैंक यू.